उदित राज ने झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन पर निशाना साधा। उदित राज ने कहा कि जब वो 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहे तब उनको बांग्लादेशी नजर नहीं आए। मानसिक तौर पर दिवालिया और बेईमान लोगों को राजनीति से बाहर करना चाहिए। देश की जनता को जगना चाहिए कि नेता आज कुछ कहते हैं कल कुछ कहते हैं। आगे कहा कि जनता को भी शिक्षित करने की जरूरत है। दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में सीएम मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश की विरासत नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 30 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश स्थित कई जिलों का पुरातन इतिहास फोटो प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है। साथ ही लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई राज्यों से प्रतिनिधि आकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को तनख्वाह घोषित किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि पूर्व अकाली सरकार के दौरान हुई गलतियों और बजर गुनाहों के लिए धार्मिक सजा सुनाई है। शिरोमणि अकाली दल ने श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली का सियासी पारा हाई चल रहा है। आप नेता एक तरफ जहां दिल्ली के एलजी पर जमकर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विज्ञान भवन में 628 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 2 सालों में हमने 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां पत्र बांटे हैं। आज 628 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जिसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल हैं। कोलकाता कांड का मामला अभी खूब चर्चा में बना हुआ है। इस बीच एक बार फिर सीएम ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने इस मामले में अपराधियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता के बारे में बताया था। इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने झारखंड की राजनीति पर सवाल निशान उठाते हुए कहा कि इरफान अंसारी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तो जयकारा क्यों लगा रहे थे। देखिए, राजनीति में तर्क अपनी जगह है लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि देश की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर राष्ट्रीय सीमा पर कोई समस्या है तो ये राजनीति का एजेंडा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान से भारत के संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर कार्रवाई का परिणाम होता है और ये उसी के क्रम में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहे सकारात्मक या नकारात्मक चीजें करे, हम उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंध तो रखेंगे लेकिन अपने हित भी देखेंगे। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुष्कर्म और हत्या के मामले पर शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ममता बनर्जी जी, आपकी ममता कहाँ चली गई? जिस प्रकार से निर्ममता का परिचय आप दे रही हैं, लगातार पीड़िता के माता पिता, खासकर पीड़िता की माता का जो बयान आया है ये बड़ा दुख देता है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बंगाल रेप हत्याकांड को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपराधियों को कैसे बचा सकती है। अपराधियों को बचाने का काम अगर अब होगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि केस अब सीबीआई के हाथों में है। मुख्यमंत्री जी, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि कलकत्ता के अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद पवार के प्रमुख शरद पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। सामने आई खबरों के मुताबिक पवार ने सीआरपीएफ के अधिकारियों को लौटा दिया है। दरअसल केंद्र ने शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 55 सशस्त्र कर्मियों की टीम को पवार के जेड प्लस सुरक्षा कवर के हिस्से के रूप में चिन्हित किया गया है। उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।